गुरुवार की सुबह शहर के कुणाल अस्पताल में कुछ गुस्साए मृतक के परिजनों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में जब बीसीएन न्यूज की टीम ने मृतक के परिजनों से बात की तब परिजनों ने अस्पताल पर कई आरोप लगाए। हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने इस कृत्य की घोर निंदा की, साथ ही अपना पक्ष भी रखा। मनकापुर के कुणाल अस्पताल में मरीज के परिजनों ने तोड़फोड़ की घटना गुरुवार सुबह की है। 8 से 10 लोगों ने अपने एक दोस्त को अस्पताल में भर्ती कराया। अपने दोस्त की मौत के बाद उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर और अन्य स्टाफ के साथ मारपीट की। राहुल इमनाते नाम के 28 वर्षीय व्यक्ति को गंभीर हालत में मनकापुर इलाके के कुणाल अस्पताल ले जाया गया। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उनके परिवार और दोस्तों ने आरोप लगाया कि राहुल की मौत अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई, जिसके चलते उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट की, साथ ही वहां के साहित्य को नष्ट कर काफी भ्रम फैलाया। हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अस्पताल प्रशासन की कैजुअलिटी में जाने के बाद राहुल की डॉक्टर परवेज इन्होंने जांच की, जिस दौरान कोई हलचल नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ईसीजी कराया, जिसके बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राहुल की मृत्यु हो गई है, लेकिन गुस्साए परिजनों ने मारपीट की, जिससे डॉक्टर परवेज इनकी आंख में चोट आई। वहीं मृतक के परिजनों ने ईसीजी मॉनिटर में तोड़फोड़ की, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी गई। परिजनों से मृतक का पोस्टमार्टम कराने को कहा गया। मेयो जाने के बाद वहां ईसीजी भी किया गया, जहां बताया गया कि मृतक की पहले ही मौत हो गई थी। घटना में कुल 8 लाख रुपए के अस्पताल के उपकरण तोड़ दिए गए, ऐसा कुणाल अस्पताल के संचालक डॉक्टर एस श्रीवास्तव का कहना है। सभी डॉक्टर ने हमने अप्रोच नहीं हुआ है, हमने बताया सबको मालूम पड़ा है। सब डॉक्टर, आईएमए के डॉक्टर, विदर्भा हॉस्पिटल एसोसिएशन के डॉक्टर, सब लोगों ने इसको कंडेम किया है और ये एक्ट के सभी लोग खिलाफ है। और ये यदि इस पे ऊपर हम लोग की अपेक्षा है कि कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब हॉस्पिटल में हॉस्पिटल चलाना प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाएगा। यदि इस तरीके से डेड बॉडी हॉस्पिटल में लेकर आएंगे लोग और डॉक्टर्स को अटैक करेंगे कि उनके वजह से ये सब हुआ है, और हम जब अनाउंस करते हैं कि पेशेंट की डेथ हो गई तो इस तरीके का तोड़फोड़ होगी, तो ये आगे के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल के लिए अच्छा नहीं है। इस दौरान कुणाल अस्पताल के संचालक डॉक्टर एस श्रीवास्तव ने इस घटना की निंदा की, साथ ही कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को सजा सुनाई जाए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा अटवा, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।